अपने सुनने और देखने वालों को बशर नकवी का सलाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया हूं, जिसमें हम देखेंगे कि नाकामी के डर से मेहनत करना नहीं छोड़नी। मैं अपने लफ्ज बदलूं तो मेरे टॉपिक का, आज के लेसन का जो टॉपिक बनता है वो ये है, कामयाबी को एक मौका जरूर दें, कामयाबी को एक मौका जरूर दें, कामयाबी को एक मौका जरूर दें। दोस्तों, इसमें चंद सी चीजें हैं जिनको हम देखेंगे तो हम अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी ये लेक्चर, ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने करना है कि लोगों को अपने अहदाफ बताने हैं। कामयाबी को एक मौका दें, इसमें सबसे पहला जो हमारा होगा टारगेट, लोगों को अपने अहदाफ बताने हैं, ताकि लोग आपको उस अहदाफ के सुनने के बाद एडवाइजेस कर सकें, लोग आपको बार बार याद करा सकें कि तूने ये अहदाफ रखे थे, क्या बना तेरा। नंबर टू, हमेशा गोल सेट करने हैं। अपनी लाइफ में जब आप कोई गोल सेट करेंगे तो उसमें आपको एंटायरली डिफरेंट कामयाबी मिलेगी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हिरोशिमा नागासाकी पर 1945 में जब एटॉमिक अटैक हुए तो तमाम मुल्क तबाह हो गया था, डिजास्टर था, एवरीवन देयर डिजास्टर था। उस डिजास्टर के बाद जापान ने सबसे पहला टारगेट रखा कि मैंने अगले 10 इयर्स में कॉटन इंडस्ट्री में टॉप करना है पूरी वर्ल्ड में, और उसने वर्ल्ड वाइड टॉप किया। फिर उसने टारगेट सेट किया कि मैं स्टील इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड टॉप करना है, उसने टॉप किया। इसी तरह आप भी कर सकते हैं, अगर आप अपने अहदाफ रखेंगे तो आप कामयाबी मिलेगी। नंबर वन, लोगों को अपने अहदाफ बताने हैं। नंबर टू, आपने अपने टारगेट गोल सेट करने हैं, फिर उसको मुताबिक आपने फाइट करनी है। ये मैं आपको बता रहा हूं, कामयाबी को एक मौका दें, इनमें से एक चीज भी आप अडॉप्ट करेंगे तो आप कामयाबी को एक मौका दे रहे हैं, आप कामयाबी के और करीब चले जाएंगे। नंबर थ्री पे आएगा जी, अपने अहदाफ का ऐलान करना है। बबांगे दोहल, मुर्गे की तरह छत पे चढ़ के अजान देनी है, लोगों को बताना है। जैसे मुर्गी अंडा देती है तो लोगों को बताती है, आपने अपने अहदाफ को लोगों को बताना है, कहना है कि मैं ये करूंगा, मेरा ये टारगेट है, मैं ये करूंगा, ताकि आपको लोग आपके अहदाफ बार बार याद कराएं। ओ भाई, तूने ये टारगेट सेट किया था, कहां पहुंचा है, इससे क्या होगा? आपको बैकअप मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी, आपको रीइंफोर्स हो जाए करेंगे आप। जब लोग आपको कहेंगे ओ भाई अहदाफ कितने ने तेरे, आपको ताकत मिलेगी, ओ भाई एफर्ट करनी है। ये तीन हो गए। नंबर फोर पे क्या है जी, अपने दोस्तों को बताएं कि ये काम है। अपने जितने फ्रेंड्स हैं, आपका जितना सर्कल है, उसमें लोगों को बताएं कि यार मैं ये काम कर रहा हूं, यार मेरा ये टारगेट है, मैं ऐसे मूव करना चाहता हूं। अपने दोस्तों को बताएं, अपने सर्कल में, उसमें फायदा होगा कि दोस्त अहबाब आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ आपको अच्छी एडवाइजेस देंगे। ये था नंबर फोर। नंबर फाइव पे क्या है, हमेशा याद रखें, जो चीजें आपने अपने सर्कमस्टांसिस में रहकर, अपने एटमॉस्फेयर में रह के आपने जो डिसाइड किया है कि मैंने ये कारोबार करना है, ये टारगेट, ये अहदाफ हासिल करने हैं, वो जब डिसाइड कर लिया तो सिर्फ हार्डवर्क है। उसके बाद लोगों से आपने इसको सेकंड नहीं करवाना, आपने अपने अहदाफ, अपने वर्किंग को लोगों से सेकंड नहीं करवाना, आपने अपने काम को लोगों से मंजूरी नहीं लेनी, तो आप कामयाब हैं। आप समझ लें, आप कामयाबी को एक चांस दे रहे हैं, कामयाबी को एक मौका दें। इसके लिए पांच गुर अभी तक आपको सिखाए। उसके बाद दूसरों की नापसंदगी का अंदेशा। दोस्तों याद रखें,
कभी भी आपने दूसरों की नापसंदगी की, यार वो क्या कहेगा, जैद क्या कहेगा, बकर क्या कहेगा, आपने ये नहीं सोचना। आपने सिर्फ ये सोचना है कि मैं क्या करूंगा, मेरे अहदाफ अगर मुकम्मल होंगे तो मैं क्या अचीव करूंगा, जब मैं कामयाबी मिल जाएगी तो लोग मुझे कैसे अपने हाथों पे उठाएंगे, अपने पलकों पे उठाएंगे। आपने सिर्फ ये याद करना है, कामयाबी को एक मौका और दें। मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा, हम इंडो पाक एशियंस का और हम जैसे ये जो लोग एफर्ट्स नहीं कर रहे, कामयाबी को चांस नहीं दे रहे, उनकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी नाकामी की वजह यही है कि वो ये देखते हैं अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा। मेरे भाई, अगर आप नाकाम हो गए तो ये पॉसिबल नहीं है। जब आप काम करने के लिए आगे बढ़ गए हैं तो आपने कामयाबी कर लेनी है, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। जब आप एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। ये आप कामयाबी को एक चांस दे रहे हैं, और अब एक चांस और दे दें यार, ये सातवां गुर है, सातवां गुर है, कामयाबी को एक चांस और दें। तवज्जा से अपने काम, तवज्जा सिर्फ अपने काम पर मरकूज करें। जब आप एक चीज डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने ये काम करना है, जब आप एक चीज डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्लानिंग हो गई है, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है, जब आप ये प्लानिंग कर लेते हैं कि मैंने अहदाफ का ऐलान कर दिया है, मैंने ऐलान कर दिया, लोगों को बता दिया, गोल सेट कर लिया, दूसरों से मंजूरी नहीं ली, तो फिर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर तवज्जा मरकूज करें। अगर आप इसके ऊपर, अगर आप इनको चांस देंगे तो याद रखें आप कामयाबी को और मौका दे रहे हैं, और कामयाबी आपका मुकद्दर है, और आप मुकद्दर के सिकंदर बनेंगे। अच्छा दोस्तों, अगली वीडियो तक अपने होस्ट मुबशर नकवी को इजाजत दीजिए। स्टे ट्यून्ड विद मी। अल्लाह हाफिज़।